अच्छा, एनिमेशंस होती हैं बेसिकली दो तरह की जो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। एक है सॉरी होवर की एनिमेशन, एक होगी पेज लोड की एनिमेशन। अब आपने पिछले लेक्चर्स में होवर पढ़ा है, ठीक है। होवर में क्या है, किसी चीज पे आप कर्सर लेके जाते हो तो वो एनिमेट होता है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने होवर के ऊपर बहुत सारे डिजाइन हमें बना के दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डिवीजन है या बटन है या इमेज है, मैं जब इस पे होवर करता हूँ तो इन सब पे अपने अपने एक अलग डिजाइन है, देख रहे हो, इन सब पे अलग तरह की एनिमेशन है। अब ये चीज आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ इन्होंने हर एक तरह से अलग अलग दिया हुआ है। अब ये एनिमेशन कैसे यूज करनी है इसको देख लेना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपको एक सीसीएस की फाइल दे देगा। जो लोग नहीं देख रहे देख लो, बाद में परेशानी होगी। जब आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक जिप का फोल्डर दे देगा जिसमें सीसीएस की फाइल होगी, ठीक है। यहाँ से कोड पे क्लिक करेगा तो आपको मिल जाएगा, मेरे पास फोल्डर डाउनलोडेड है, वो आप मेरे से ले लेना, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है ये देख लो कि जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये होवर मास्टर के नाम से इस तरह से एक फोल्डर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर क्या कुछ होगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी आपके काम की। इस सीएसएस के फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी hover.css, ये वो फाइल है जिसके अंदर सारी स्टाइलिंग सारी एनिमेशन इन्होंने बना के रखी हुई है। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं इस सीसीएस की फाइल का तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने सीसीएस में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, कुछ जो स्टाइलिंग है वो आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। ये सब क्लासेस है जिनकी स्टाइलिंग इन्होंने यहाँ पे की हुई है, सबके साथ होवर वाला इफेक्ट लगाया हुआ है। आपने क्या करना है, सिर्फ इस फाइल को जो ये फोल्डर में ये फाइल है, इस फाइल को अपने पेज के हेड में अटैच कर देना है, ठीक है। जो भी आप फाइल बना रहे हो, जो HTML की फाइल आप बनाते हो, उस फाइल के अंदर ये सीएसएस की फाइल को अटैच करने लिए कैसे करते हैं, आप पता है, जैसे XML की सीएसएस की फाइल को हेड के अंदर लिंक का टैग लगा के अटैच करते हैं। लिंक के टैग का आप सबको पता है, HREF का टैग यूज करते हैं और इस फाइल को अटैच कर देंगे तो किस तरह से बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये इंडेक्स की फाइल है, मैं इसमें बना के दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। यहाँ टेस्टिंग के लिए मैंने एक सिंपल HTML की फाइल ली, ठीक है। इस HTML की फाइल के अंदर मैंने इस CSS की फाइल को अटैच कर दिया। कैसे किया कि CSS के फोल्डर के अंदर hover.css की फाइल है। इतना समझ में आ रहा है कि हमने जो भी फाइल डाउनलोड की है इस फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद है, हमने इस फाइल को अपने पेज के हेड में अटैच कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ एक छोटा सा डिवीजन बनाता हूँ और उस पर होवर की एनिमेशन को अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ एक मैं डिवीजन ले लेता हूँ किसी भी नाम से, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है। और इसको यहाँ अप्लाई भी कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉक्स वाली डिवीजन ले ली, इसको हमने हाइट दी कोई 400 पिक्सल और विड्थ दे दी कोई 400 पिक्सल, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया जो हो गया ब्लैक। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक फाइल हमने क्रिएट कर ली जो ये है। अब इसे रन करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं होवर की एनिमेशन लगा सकता हूँ। वो कैसे लगाएंगे, आप इस वेबसाइट पे आए हो, आपको ये सारे के सारे डिजाइन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी एनिमेशन है। अब आपने ये एनिमेशन अप्लाई कैसे करनी है, ये मेन क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाली लगानी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने इस वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन कर लेना है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन करना हो तो यहाँ राइट क्लिक करके व्यू बेस सोर्स पे क्लिक कर लेते हैं या फिर कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। याद रहेगा, किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन करना हो तो कंट्रोल यू या राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, इस पूरी वेबसाइट का कोड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। अब आप यहाँ नोट करो, ये जो सारे के सारे ये ग्रो श्रिंक पल्स पल्स ग्रो, ये सब के सब ये एंकर टैग्स हैं, नजर आ रहे, ये ग्रो श्रिंक पल्स पल्स ग्रो, ये सब के सब एंकर टैग है। आपने इसमें सिर्फ क्या करना है, इसकी क्लास को कॉपी करना है, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए आपने उसकी क्लास को यहाँ से कॉपी करना है और अपने कोड में आके यहाँ एक क्लास ऐड कर देनी है जो हमने वहां से कॉपी की थी। भले बड़ा हमने किया, जो भी एनिमेशन चाहिए थी उसका सोर्स कोड देखा, जो भी उन्होंने क्लास दी हुई थी वो क्लास कॉपी करके हमने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे याद करो, हमने पिछली क्लासेस में आपके क्विज में भी बात हुई थी कि हम आईडी एक बार कॉल करते हैं लेकिन क्लासेस जो होती हैं एक टाइम पे एक से ज्यादा कॉल कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारी अपनी क्लास थी,
ये एनिमेशन वाली क्लास आ गई। तो मतलब एक से ज्यादा क्लासेस हम यहाँ पे स्पेस देके ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो मैं जब अपने इसको रन करता हूँ, जो हमने डिजाइन बनाया है, मैं जब इस पे रन करता हूँ, होवर करने पे ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसमें नोट करता हूँ, ये कोई भी, ये बस है, ठीक है। अब यहाँ से बस का कोड देखो कौन सा है, ये बस वाली क्लास मैंने यहाँ से कॉपी की और अपने कोड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। ओवर बस आ गया। अब जब इसे रन करोगे, ये देखो जब इस पे होवर करता हूँ तो ये एनिमेट हो रहा है। इतनी कहानी समझ में आ रही है, कैसे हो रहा है? सिंपलेस्ट तरीका है, ये चीज आप सीजेस में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ इन्होंने बनी बनाई दे दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि होवर की एनिमेशन को कैसे अप्लाई करना है। डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट तरह से एनिमेशन यूज करते हैं। मैंने उसे टेम्पलेट दिखाया था, उसमें भी इस तरह की बहुत सारी एनिमेशन यूज हुई थी। ये इतना कर लोगे? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये डिफरेंट एनिमेशन है, आपने जो भी लेनी हो इसकी, आपने जस्ट यहाँ से क्लास देखनी हो और आराम से इसको कॉल कर लेना। इसमें बहुत तरह की एनिमेशन दी हुई है। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये इस तरह का चाहिए, आपने सिंपल एचटीएमएल सीएसएस में रेंडर कैसे बनाओगे, सोचिए बताओ। सॉरी दोबारा बताना, ओवर लगाएंगे, ये जो पीछे ये आ रहा है ये कैसे आ रहा है? शेडो आ रहा है। नॉर्मल हमारे पास ये डिवीजन का साइज होगा और जैसे ही होवर करेंगे उसमें हम शेडो ऐड कर देंगे। मतलब ये सब चीजें जो डिजाइन यहाँ पे आ रहा है, ये सब चीजें पॉसिबल है सीजेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे बनी बनाई है, आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं इस डिजाइन से, इस जो हमने लिया है, इससे ये फाइल हटा देता हूँ जो हमने अटैच की है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो फिर हमारी एनिमेशन वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारी एनिमेशन किस फाइल से आ रही है, उसी फाइल से आ रही है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, अभी तो आप सीखने के लिए कर रहे हो, डिफरेंट फाइल्स अटैच करते हो, जितनी ज्यादा सीजेस की फाइल अटैच करोगे आपकी वेबसाइट उतनी स्लो होती जाएगी, ठीक है। जितनी एक्सटर्नल फाइल्स अटैच करोगे वेबसाइट उतनी स्लो होगी। तो कोशिश यही करते हैं, आपकी जो सीजेस है, जो फाइल्स आप अलग से अटैच कर रहे हो, वो कम से कम होनी चाहिए, एक दो तीन चार बस चल जाती है, ऐसे नहीं कि 12-15। आपकी वेबसाइट का टाइम बढ़ जाएगा, और किसी भी वेबसाइट का टाइम बढ़ जाएगा तो यूजर को पसंद नहीं आएगी और वो उस पर आएगा ही नहीं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बना रहे हो सोशल मीडिया की, ठीक है, आप कह रहे हो लोग आएंगे वहां पे, ट्रैफिक बनेगी, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बट आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, तो वो पहली नजर में ही भाग जाएगा ना, क्योंकि वेबसाइट है कि आए मैं बैठे रहूँ पागलों। तो कहने का मकसद ये कि आपकी चीज़ की फाइल्स कम से कम होनी चाहिए, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी। आगे जाके यहाँ पे मैं एक और चीज भी आपको क्लियर कर देता हूँ, सीसेस की फाइल्स होती हैं दो तरह की, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी होती हैं दो तरह की, जो मैं एक्सटेंड अटैच कर रहे हैं, एक होती है मिनीफाइड, एक होती है ब्यूटीफाइड। मिनीफाइड और ब्यूटीफाइड, जो चीज मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ उनको जेन में रखा करो, क्विज में काम आती है, ठीक है। अब मिनीफाइड और ब्यूटीफाइड में क्या फर्क होता है, अगर आप इसको देखो, ये जो हमने सीसेस की फाइल अभी ओपन की थी, ये जो ये सीसेस की फाइल थी, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो इसमें सारा कोड इस तरतीब से दिया हुआ जैसे आप स्टाइल करते हो, ठीक है। यहाँ इसी फोल्डर में एक और फाइल है, hover.minified फाइल, देखो hover minified, इसमें है क्या, इन दोनों फाइल्स में सेम कोड है, लेकिन अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें देखो सारी स्पेसेस उन्होंने रिमूव किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना माइंड क्लियर करो, दोनों में सेम कोड है, जो मिनीफाइड है उसमें स्पेसेस रिमूव की हुई है, जो ब्यूटीफाइड है उसमें स्पेसेस देके तरतीब से काम किया हुआ है। जो भी फाइल मिनीफाइड होगी वो जल्दी लोड होगी, उसमें उसकी फाइल का साइज कम होगा। अगर दिखाऊं मैं आपको यहाँ फोल्डर के अंदर, इसका साइज क्या है 113 KB और इसका साइज क्या है 90, कोड सेम है, फाइल की साइज का फर्क है। तो कम से कम फाइल हो केबी वाली, आपने वही अटैच करनी है, ठीक है। तो मिनीफाइड और ब्यूटीफाइड का डिफरेंस याद रखना, काम आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा था होवर की एनिमेशन वाला काम। मैं दोबारा फाइल को लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। कहाँ गई फाइल जो हम जिस पे काम कर रहे थे? ये। अच्छा, अब आ जाती है दूसरी एनिमेशन पे। ये तो हमारी पास हो गई जो हमने नॉर्मली यूज किया होवर करने पे। अब दूसरी एनिमेशन की हम बात कर रहे थे, ये एनिमेट डॉट चीजेस, ये वो एनिमेशन है जो पेज के लोड करने पे आती है। जैसे हम पेज को लोड करते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ये एनिमेशन हो रही थी।
इसकी मैं एक दो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने उस दिन एक टेम्पलेट देखा था जो जिसके हमने सीजन को खत्म किया था। एक मिनट, ये टेम्पलेट देख रहे हो, जब हम इसमें स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखना, ये थोड़े से इसको पेज को लोड होने से पहले, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे चीजें एनिमेट हो रही हैं ओवर करने में, फिर देख रहे हो। अच्छा, अब जब इसमें स्क्रॉल करता हूँ पेज का साइज, अरे यार इंटरनेट स्लो ही चल रहा है। ये देखो, इसमें भी होमवर्क इफेक्ट है। अच्छा मैं भूल गया, ये डिजाइन बना लोगे इन आइकन्स के अलावा? बताओ, इन आइकन्स के अलावा अभी जो तुम बना रहे थे वो दरमियान में इमेज थी। अगली असाइनमेंट नोट करो, मुझे ऐसे डिजाइन चाहिए और ऐसे ही एनिमेशन चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन मैं ये कोड नहीं दूंगा तुम्हें, ये मैंने नेक्स्ट अपलोड करना है, अपलोड करना ये पेड है। अच्छा चलो देख लो, अब ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये एक हेडिंग है या कोई डिवीजन है, ये ऐसी कोई चीज है। मैं जैसे इस पे स्क्रॉल करूंगा या मैं जैसे इस हेडिंग पे आऊंगा तो ये देखो, ये सारी एनिमेशन है, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगी, देख रहे हो? इसमें एंट्रेंस के भी होंगे, ये देखो, ये यहाँ से गया, ये इसके आउटसाइडर के हैं और ये इनके वाले भी हैं। अब सोचो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए भी सेम वही तरीका है जो नॉर्मली अभी हमने होवर के लिए किया था। हम डाउनलोड करेंगे, वो हमें एक सीधे की फाइल दे देगा, उस चीज की फाइल को हम हेड के अंदर अटैच कर देंगे, और वो जो ये सब आपको दिख रहा है ये क्लासेस के नेम है। हम यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, क्लास कॉपी हो जाएगी और वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम कर सकते हो? नहीं सुना, ये देखो। अच्छा मैं ये कॉपी करके दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ से एक डायरेक्ट तरीका ही बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ना ऑनलाइन सीडीएन दिया हुआ है, ये कॉपी किया और पेज के हेड में लगा दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। इस वेबसाइट पे आए, इस वेबसाइट का नाम है एनिमेट डॉट स्टाइल। इस वेबसाइट पे आए, ये इन्होंने टैग दिया हुआ है, इस टैग को आपने यहाँ से कॉपी करना है और पेज के हेड में जाके लगा देना है। कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हेड में एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं, ये सेम ऐसे कॉपी करो और अपने पेज के हेड में जाके लगा दो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फाइल थी, ये पेज के हेड में लगा दिया। सीजी की कितनी फाइल्स हो गई हमारे पास? दो फाइल्स हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई। क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ, मैं इसके स्पेसेस भी मूव कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे मेरी फाइल नहीं बनती, किसी के सामने मत बोलना कि हमने लिख हुए वो स्पेसेस भी मूव कर दी, मेरी फाइल हो गई, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हें, मेरा नाम मत दोबारा तुम, ठीक है? अच्छा अब सुन लो, मेरी फाइल ऐसी नहीं होती। अब क्या हुआ, हमने इसको एनीवेयर को वहां पे अटैच कर दिया। एक और क्वेश्चन माइंड में रखना, जब भी हम फाइल्स को अटैच करते हैं ना, इनको दूसरी वर्डिंग में सीडीएन भी बोला जाता है। सीडीएन, सीडीएन बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो मैक्सिमम फाइल को अटैच करें ना सीडीएन भी बोलते हैं। अभी हमने होवर वाला क्या किया, डाउनलोड किया, उसे पेज के हेड में अटैच किया। हां सर, ये जो लिंक दी है इसके लिए इंटरनेट तो लाजमी है। लाजमी है, ठीक है? अब सुन लो, वही चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हमने होवर की फाइल को डाउनलोड किया और पेज के हेड में अटैच किया, उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कहीं भी काम कर रहे हो। लेकिन ये जो हमने वहां से कॉपी की है, ये डायरेक्ट इंटरनेट से सीधे उसकी फाइल को लोड कर रहे हैं, ये कहलाते हैं ऑनलाइन सीडीएन। तो ऑनलाइन सीडीएन कोई भी आप लोगे, उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, उसके बगैर वो काम नहीं करेगा। हाँ ये जरूर कर सकते हो, ये हम जिसको फाइल को, जो हमारी फाइल है इसे रन किया, इसका सोर्स कोड ओपन किया, और सोर्स कोड ओपन करने के बाद इस चीज की फाइल को यहाँ पे ओपन किया और डाउनलोड कर लिया। लंबा तरीका बता रहा हूँ लेकिन माइंड में रख। अब ये बताओ, ये मेरी फाइल है या ब्यूटी फाइल है? ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने क्या अटैच किया है, मिनी फाइल।
अगर मैं इसी को कंट्रोल एस करूंगा ये ऑटोमेटिक हमारे पर डाउनलोड भी हो जाएगी फाइल, ठीक है। ये कहीं भी फाइल रख के हेड के अंदर अटैच करो, ऑफलाइन सीडीएन हो जाएगा, याद रहेगा। ऑनलाइन क्या किया, सिर्फ वहां से कॉपी किया लगा दिया, ऑफलाइन पे यही तरीका था कि इस फाइल को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे और हेड में अटैच कर लेंगे। अगर यही चीज, अगर यही डिजाइन तुम नॉर्मल अगर देखो तो ये सीसीसी क्लासेस अटैच किए हैं, अगर किसी नए बंदे को दिखाओ तो पहले तो परेशान हो जाएगा, ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट का जो हमने सोर्स कोड ओपन किया हुआ था, अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ये क्या हो रहा है, ये इस वेबसाइट का पूरा कोड है। अब कोड में क्या है, वही चीजें जो आप नॉर्मली करते हो, HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग, उसके बाद डिवीजन, स्पैन, H1, नेम, अनोटा लिस्ट, लिस्ट आइटम, ये सब चीजें आपने की हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा HTML का कोड अभी स्टार्ट में तुम लोगों ने किया तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये HTML का कोड है, ये CSS का कोड है, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इनको कैसे अप्लाई करना है, जो हमने ये CDN ले लिया, कहां गया ये सब क्लासेस हैं, मैं यहाँ पे कोई हेडिंग लिखता हूँ, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे H1 का टैग लेता हूँ, ये सारे W हो गए, हाँ हाँ क्या हुआ, भूख लग रही है। कुछ देर की रिकॉर्डिंग जो है ना वो साफ सुथरी करने दो मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लास कौन सी असाइन करूंगा जो उस वेबसाइट से कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस पे क्लिक करोगे खुद बहुत कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अगर आपको यहाँ से लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको वही एनिमेट की फाइल में जाना है और उस पर ढूंढना है कौन सा है, तो बेहतर ही यहाँ से ले लो। यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया होगा, अगर इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ इन्होंने तरीका भी सारा बताया होगा वैसे, कि आपने पहले ये हेड में अटैच करना है, फिर ये क्लास ले लेनी है, फिर क्लास को जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको मालूम हो, ये वो क्लास है जो हमने कॉपी की है, ऐसा ही है ना, वहां से हमने कॉपी की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आफ्टर इंस्टॉलिंग एनिमेट एड द क्लास एनिमेट एनिमेटेड, देख रहे हो ये जो क्लास है वो कह रहे हैं इसको ऐड करना मत बोलना, टू एन एलिमेंट अलोंग विद एनी एनिमेशन क्लास दिस दिस दिस। अब देखो ये क्लास तो हमने कॉपी की, जो हमने यहाँ पे जितनी भी दी हुई थी यहाँ से हमने कॉपी किया और अपने कोड में पेस्ट किया, तो ये तो हमारे पास आ रही थी, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि भाई साहब ये लगाने से पहले ये वाली क्लास भी ऐड कर लेना, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये भी कॉपी की और यहाँ पे पुट कर दी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ो और चेक करो ये कोड चलता है नहीं चलता, पढ़ो वो आ गया, किस किस ने नहीं पढ़ी थी, अच्छा चलो ठीक है। अब ये सिंपल मेरे एक हेडिंग पे अप्लाई करके दिखाइए, ठीक है। आप किसी भी डिवीजन पे किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, वो जैसे ही आप स्क्रॉल पे आओगे पेज लोड होगा तो वो चीज एनिमेट होगी, लेकिन वही बात एनिमेशन कम से कम रखो। एनिमेशन एक थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए होती है, हर एक एलिमेंट पे इतनी एनिमेशन ही डाल देते हैं कि वो बुरा लगने लगते। अब उसी में एक लड़की ने डिजाइन बनाया था, वो डिजाइन बहुत अच्छा था, लेकिन वो क्या था उसमें एक डॉट भी लगा था तो वो भी एनिमेट हो रहा था। हर एक चीज को एनिमेट करने की जरूरत नहीं है।